युद्ध यानी कि वॉर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय मीडिया के जरिए हम अभी रूस यूक्रेन युद्ध को देख सकते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि क्या युद्ध के कोई नियम होते हैं, या ऐसे ही लड़े जाते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन युद्ध को अपराध नहीं मानते। क्या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ नहीं कर सकती? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैंपस खबर में स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं कैंपस खबर का स्पेशल शो। मैं हूं आपके साथ गोविंद पाटीदार। जब से विश्व का इतिहास लिखा गया है तब से युद्ध होते आ रहे हैं, चाहे वह महाभारत काल ही क्यों ना हो। आज के इस एपिसोड में हम युद्ध के नियमों के बारे में जानने वाले हैं। तो आपके दिमाग में अचानक से महाभारत का वह दृश्य आता होगा जब सेना प्रधान या फिर कोई विशेष व्यक्ति सायंकाल के समय शंख बजाकर युद्ध विराम करता और पुनः अगले दिन युद्ध की शुरुआत होती। भारतीय इतिहास के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह पर दोनों दलों ने एकत्र होकर युद्ध के कुछ नियम बनाए थे, जैसे कि प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही रहेगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। इसके अलावा युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। इसके अलावा रथी रथी से, हाथी वाला हाथी से और पैदल वाले पैदल से ही युद्ध करेंगे। इन नियमों में एक वीर के साथ एक ही वीर युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकेंगे। युद्ध में सेवक का काम करने वालों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। आपको उन नियमों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि आखिर यह नियम कब और क्यों बनाए गए। पिछले 10 से 12 सालों में हमने कई युद्ध देखे जिनमें वॉर क्राइम, ह्यूमन वायलेशन जैसे टर्म का उपयोग किया गया है। युद्ध की बात करें तो लीबियन क्राइसिस, सीरियन क्राइसिस, यमन क्राइसिस, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्मेनिया अजरबैजान वॉर जैसे कुछ युद्ध हुए। इनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध रहा, जो कि 2020 में हुए नागार्नो काराबाग को लेकर लड़ा गया था। इस दौरान दोनों देशों ने क्लस्टर म्यूनिशंस नामक वेपन का इस्तेमाल किया, जो कि दुनिया के सभी देशों ने बैन कर रखा था, जिससे कि कई लोगों की जाने गई और उसके बाद दोनों देश ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अब आते हैं युद्ध के नियमों के इतिहास पर। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में भारी तबाही हुई। इस तबाही में प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1 करोड़ आम नागरिकों की मृत्यु हुई, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 6 से 7 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हुई, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। चारों ओर परमाणु आक्रमण हो रहे थे, दुनिया तबाही का वह मंजर देख रही थी। और ऐसी तबाही दोबारा ना हो इसलिए 1949 यानी कि 1949 में स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा। स्विट्जरलैंड के इस शहर में दुनिया के सभी नेता शामिल हुए। दुनिया के सभी नेताओं ने मिलकर लॉ ऑफ वॉर बनाया। इस लॉ ऑफ वॉर को 161 नियमों से बनाया गया था, जिसमें सभी देश यानी कि 196 देशों ने मान्यता दी। सभी देश इन नियमों को मानने के लिए बाध्य थे। इस पूरे औपचारिक मिलन को जिनेवा कन्वेंशन कहा गया। अब जिनेवा कन्वेंशन में युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा हुई, जैसे कि युद्ध के दौरान किसी भी देश के आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज व घरों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। यानी कि युद्ध की कवरेज पर गए पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मियों पर भी सैनिक हमला नहीं कर सकेंगे। वहीं आम लोगों के लिए बनाए गए शेल्टर होम पर भी सैनिक हमला नहीं कर सकते। साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर भी किसी भी देश की सेना हमला नहीं कर सकती। सेना डिमिलिटराइज्ड जोन में भी हमला नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दुश्मन देश के सैनिक सरेंडर करते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। साथ ही युद्धबंदी के दौरान मानवीय व्यवहार करना आवश्यक है। वहीं एक विशेष नियम के अनुसार किसी भी देश पर आक्रमण के पहले उस देश को चेतावनी देना होगा। इन नियमों को समझने के बाद आइए जानते हैं कि क्या होगा अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करे।
युद्ध के दौरान अगर कोई देश युद्ध नियम यानी लॉ ऑफ वार का उल्लंघन करता है तो उसे युद्ध अपराध माना जाएगा और इन हालातों में उस देश के खिलाफ ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और खास बात यह कि वह मुकदमा व्यक्तियों पर चलेगा। अब आपको बताते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में ICC की भूमिका के बारे में। ICC के प्रमुख अभियोजक करीम खान का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपराध किया है क्योंकि वहां की सेना सीधे तौर पर लोगों को अपना निशाना बना रही है। इस भयावह स्थिति के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मामला अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत यानी ICC में पहुंचा हुआ है। हालांकि पुतिन पहले व्यक्ति नहीं है जिन पर युद्ध अपराध का मामला चलेगा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस CFR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का पहला युद्ध अपराध का मामला 1945 यानी 1945 में नाजी शासकों पर चला था। दुनिया में नेताओं, अफसरों और सैनिकों पर युद्ध का मुकदमा चल चुका है और सजा भी हुई है। तो यह थे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को लेकर कुछ नियम जो कि हर कोई देश मानने के लिए बाध्य है। अगर वह नहीं मानता है तो वह युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम के लिए देखते रहिए कैंपस खबर। धन्यवाद।